तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गूगल सीट, और गूगल सीट में हम फॉर्मूला डिस्कशन करेंगे दूसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी में हमने आपके साथ डिस्कस किया था लॉजिकल फॉर्मूला का। तो पहले हम ड्राइव को ओपन करते हैं और यहां से हम एक्सेल सीट लेते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, एक मिनट में नीचे भी जाता हूँ तो मेरे पास नीचे भी मिलेगा। क्लिक किया और मेरा ये ओपन हो गया गूगल सीट में। तो हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट कैटेगरी के फॉर्मूले के। टेक्स्ट कैटेगरी तो पहले हम बात करते हैं, चल देखते हैं टेक्स्ट कैटेगरी में क्या क्या है, एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर वन बाय वन देखेंगे। तो टेक्स्ट कैटेगरी में आपके सामने ये जो टेक्स्ट का कैटेगरी है इसमें इतने सारे फॉर्मूले हैं आपके, तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले आपका अरेबिक फॉर्मूला होता है। अरेबिक और रोमन दो फॉर्मूले को एक साथ आप देखें। अरेबिक एंड रोमन का यू क्या यूज होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, राइट, मुझे इसको रोमन नंबर में लिखना है, तो रोमन नंबर में लिखने में काफी ज्यादा परेशानी होती है सर। तो उसके लिए आपके सामने रोमन का फॉर्मूला है, आप रोमन में ले और इसको सिलेक्ट करके एंटर मार दें, ये आपका रोमन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके ओके सर। इस रोमन नंबर को वापस कन्वर्ट करना है किसमें, नंबर में, तो आपके सामने अरेबिक नाम का फॉर्मूला है। अरेबिक फॉर्मूला उसको वापस नंबर में कन्वर्ट कर देता है और एक्सेल में भी है। ओके ओके सर। अरेबिक के बाद अगला जो फंक्शन इसमें आता है वो आता है आपके सामने एएससी का। तो कोड और एएससी दो चीज फॉर्मूले, यहाँ पे कोड भी है एएससी भी है, तो ये कोड भी सेम करता है यूनिकोड मैप वैल्यू। चलिए दोनों के देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिख दिया और यहाँ पे एएससी वैल्यू हम लगाते हैं और यहाँ पे हम कोड लगाते हैं। तो कोड जो है इसको कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन एसी फॉर्मूला क्योंकि वीवीएम एसी का यूज तो स्काई वैल्यू के लिए होता था, बट गूगल सीट में एसी का यूज कन्वर्ट द फुल विद स्काई वैल्यू एक करेक्टर में करता है टेक्स्ट। इन्वर्टर कौन देना पड़ेगा इसमें, सेम ही आता है लेकिन इसका एक फॉन्ट चेंज हो जाता है। नॉर्मल आप लिखते हैं तो एक ही है, इसका कोई अंदर का कोई इसको स्काई वैल्यू में कन्वर्ट करता है, तो एग्जैक्ट मैच वगैरह करने में इसका यूज होता होगा, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके सर। उसके बाद आपके पास कैर है, जो कैरेक्टर को कैर में करता है, क्लीन एंड ट्रू है, जैसे कि इस तो आपके पास कैर का फॉर्मूला है जो इसको वापस करेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। और इसका यूज क्या है बताते हैं आपको, जैसे कि हम यहाँ पे नाम लिखते हैं सुजीत कुमार, राइट, हाँ सर। तो हम क्या करते हैं सुजीत कुमार लिखते हैं, इसमें बीच में हम कुछ ज्यादा स्पेस दे देते हैं, ओके, या हम फालतू स्पेस देते हैं सुजीत कुमार। अनवांटेड स्पेस अगर आपने दिया हुआ है तो आपके पास फॉर्मूला होता है ट्रिम का, जो कि आपका अनवांटेड स्पेस को रिमूव कर देता है। लेकिन अगर आपने रैप के साथ लिखा है सुजीत और यहां से हमने रैप दिया और यहां पे कुमार कर दिया, अब मैं इस पे ट्रिम लगाता हूं तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपका सुजीत कुमार ही आ रहा है। सॉरी यहां यहां मैं यहां लगाता हूं, तो रैप टेक्स्ट को मैं यहां से हटाता हूं एक मिनट।
आइकन था, अभी नहीं दिख रहा है। स्टिक टू फॉन्ट, हाँ अलाइनमेंट में होता है ना, वर्टिकल अलाइनमेंट, रैप टेक्स, ये रहा रैप टेक्स। रैप टेक्स में होता क्या है यहाँ पे कि आपको दिखने में दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं मान लीजिए फॉर्मा लगाता हूँ लेन का, लेन क्या करता है, लेंथ देता है, लेंथ देता है। तो लेंथ में आपको यहाँ पे 11 दिख रहा है। एक मेरे स्पेलिंग मिस्टेक है। आप देखेंगे कि ऐसे नॉर्मली आपका करेक्टर जो है यहाँ पे जा रहा है, लेकिन तो क्लीन क्या करता है, क्लीन फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो इस अनवांटेड को, अनवांटेड स्पेस को रिमूव कर देता है, समझ गए। तो हाँ सर, करेक्टर जो रैप टेक्स का होता है, उस रैप टेक्स को यहाँ से वो रिमूव कर देता है, ठीक है सर। सर तो आखिर इसका बेनिफिट क्या है, कहाँ पे होता है, तो चलिए एक और एग्जांपल हम बताते हैं आपको। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि मुझे इसके बीच में, मतलब कि क्लीन जो हमने लगा दिया तो इसने क्लीन कर दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप डेटा कॉपी करते हैं किसी वेबसाइट से या किसी अदर सॉफ्टवेयर से, तो उसमें इस तरह के रैप टेक्स्ट होते हैं, तो आप अगर उसको मैच कर रहे तो इसी तरह सीधा रहेगा, मैच करने जाओगे तो मैच नहीं होगा, देखने में अच्छा इकट्ठा एक ही जैसा लगेगा, क्योंकि ये हिडन टेक्स्ट कुछ रहता है, तो क्लीन इसको क्लीन कर देता है। लेकिन मुझे इसके बीच में स्पेस डालना है, तो मतलब कि मैं चाहता हूं कि किसी फॉर्मूले को किसी अनदर फॉर्मूले से, मतलब किसी किसी करेक्टर को अनदर करेक्टर से रिप्लेस करना, जैसे एक्सेल में हम लोग सब्स्टिट्यूट से करते हैं, और सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला आपका यहां भी है। हम यहां टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, और किसको करना है, डॉट को करना है, इससे करना है तो डैश से करना है, आपका डैश में रिप्लेस हो जाता है, ओके सर। और आता है या ऑकरेंस नंबर होता है, मतलब कि अगर आपने यहाँ पे 1 दे दिया तो आप देखेंगे कि पहला ही डॉट डैश में बना, 2 देंगे तो दूसरा, 3 देंगे तो चौथा, इस तरह से आपका रिप्लेस करेगा। ओके ओके अब लेकिन हमें प्रॉब्लम ये है कि हम इस पे नहीं लगा सकते, क्योंकि अब मैं यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट लगाता हूँ तो सब्स्टिट्यूट में इसको सेलेक्ट किया, अब टेक्स्ट तो मैं यहाँ पे क्या ऑल्टरनेटर डालूँ, ऑल्टरनेटर करने से नीचे चला जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना सर। हाँ सर, यहाँ पे अगर मैं किसी एक सेल पे ऑल्ट एंटर प्रेस करके एंटर मारता हूँ, और यहाँ पे अब मैं देखता हूँ कोड, इसका एक कोड आता है, वो होता है 10। तो मैं, और हमारे पास फॉर्मूला कैर का है जो कोड को कैरेक्टर में कन्वर्ट करती है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का, सब्स्टिट्यूट इसको सेलेक्ट करूंगा, और इसमें सी एच आर कैर, कैर में 10 और उसको हम स्पेस कर देंगे। देखिए सुजीत कुमार आ गया, ठीक है। वो कैसे पता नहीं चला करो उसमें, पता नहीं चला, ये सुनिए वो एक चीज लास्ट समझिए, वाला। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोड का, जो किसी कैरेक्टर का कोड देता है, दूसरा होता है कैर, हाँ सर, किसी कैरेक्टर को कैर देता है। तो सुजीत और कुमार के बीच में रैप टेक्स्ट था, हम इसको अगर हाँ, क्लीन करते हैं तो इसको क्या करता रेपटेक को निकाल दे रहा है, हाँ वो अनवांटेड स्पेस है उसे हटा देगा, हाँ तो उसके सेलेक्ट हटा कर दिया, दो। तो हम चाहते हैं कि उसको हटाए ना, स्पेस बना दें। तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला है जो किसी भी करेक्टर को अनदर करेक्टर से रिप्लेस कर देता है, बट प्रॉब्लम यह है कि सब्स्टिट्यूट लगाते समय मैं ऑल्ट एंटर नहीं दे सकता, हमारा ऑल्ट एंटर से आता है। एंटर, उसका वो कोड है 10 नंबर। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक यहाँ पे डाल टाइप किया और कोड से देख लिया कि इसका कोड क्या है।
सर, ठीक है। ओके सर। हेलो हाँ, और हमने सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला में हमने इस कोड को यूज कर दिया ओके। ओके सर, ओके हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला है इसमें। अरेबिक हो गया, एसी हो गया, क्लीन हो गया, कैर हो गया, क्लीन हो गया, कोड हो गया, कॉनकेटा नेट होता है, इसको देख लीजिए। तो जैसे एक्सेल में होता है कि दो सेल को आपस में मर्ज करना है कुमार, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं यहाँ पे कॉनकेटा नेट का फॉर्मूला। यहाँ पे स्टार एंड कॉमा है कि क्या इसमें एन परसेंट भी लगता है, लिखता हूँ, लगा के दिखाता हूँ मैं। एन परसेंट से भी लॉक किया जा सकता है, लेकिन तो दोनों का काम एक ही है ना हाँ सर, दोनों एन का, पर जरूर। लेकिन अगर मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ नेम है जो 10 20 50 ऐसे हो सकते हैं, मुझे क्या इसको मर्ज करने के लिए हम मुझे एक एक सिलेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से? एक एक सिलेक्ट करने में तो काफी टाइम लग जाएगा ना सर, अगर 10 20 नाम। तो हमारे पास फॉर्मूला एक आता है कॉनकेट का। कॉनकेट फॉर्मूला में हम यहां से इस वैल्यू को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर मारेंगे, तो एक्सेल में तो ये काम करता है। टू वैल्यू देना पड़ेगा ना इसमें। अच्छा, इसमें भी कॉमा कॉमा करके देना पड़ेगा सर, इसमें भी आपको कॉमा, कॉनकेट भी तो इसमें दो वैल्यू को ही करता है सर, इसमें दिक्कत है। कॉनकेट जो है आपका, लेकिन एक्सेल में ज्यादा ले लेता है दो। मतलब टू वैल्यू, वैल्यू वन कॉमा कॉमा वैल्यू टू कर करता है सर, ठीक है ना? तो ये आपको वन बाय वन लिखना ओके पड़ेगा, सिलेक्ट ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते आप, एक्सेल में ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारे पास एक और है टेक्स्ट ज्वाइन, एक बार देखते हैं। एक यहाँ पर एक हमारा टेक्स्ट है, एक हमारा टेक्स्ट ज्वाइन है। टेक्स्ट ज्वाइन लेते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि क्या सेपरेटर क्या चाहिए, कॉमा, इग्नोर ब्लैंक करना है नहीं, और फिर आप रेंज को दे दीजिए, ये पूरा रेंज आपका सिलेक्ट करके मर्ज कर देगा, ठीक है? तो ये आपका टेक ओके बाकी सबसे बेटर सर, है। ओके तो हमने यहाँ पे हमने कॉन्कनेक्ट कर दिया। अब बात आती है डॉलर की, डॉलर एंड फिक्स्ड दो चीज को देख लीजिए। मान लीजिए कि हमने ये रुपया ये डाला हुआ है, तो इस पे गलती से कोई भी फॉर्मेट लग सकता है ना, हाँ मैं चाहता हूँ फिक्स रहे, फॉर्मेट ना हो, तो उसके लिए हम इसको डॉलर फॉर्मूले के अंदर में रखेंगे, ये डॉलर का साइन आ जाएगा। डॉलर का साइन नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे फिक्स्ड फॉर्मूला लगाते हैं और फिक्स्ड फॉर्मूले के अंदर डालेंगे तो ये आपका साइन नहीं देगा। इस पे किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा। ओके सर, इसमें कॉन्कैट डॉलर हो गया एग्जैक्ट। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे राम लिखता हूँ और यहाँ भी राम लिखता हूँ, यहाँ पे राम देता हूँ, यहाँ पे अगर नॉर्मल कंडीशन आप लगाते हैं, नॉर्मल लॉजिकल लगाते हैं, तो रिजल्ट ट्रू आएगा, बट मुझे करना है एग्जैक्ट मैच, मतलब कि केस होना चाहिए, हर एक चीज मैच करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा एग्जैक्ट का, कि एग्जैक्ट हमने इसको सिलेक्ट किया कॉमा इसको सिलेक्ट किया और एंटर मारा और फॉल्स आएगा जब तक कि हम एग्जैक्ट ना लिखे। एग्जैक्ट मैच इस चीज के लिए यूज किया जाता है सर। ओके सर।
ये पासवर्ड में यूज होता है ना एक हाँ बार। पासवर्ड वगैरह में तो एग्जैक्ट हो गया हमने। अब बात करते हैं हमने ये आपका फिक्स्ड भी हो गया, एक हमारे पास ज्वाइन भी है सर। हमने ओके से नहीं देखा था, टेक्स्ट ज्वाइन तो देखा था, ज्वाइन क्या करता है चलिए इसका यूज करते हैं। अपने फैक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ज्वाइन में क्या है, इसमें आप टेक्स्ट ज्वाइन में क्या होता है कि आप ब्लैंक इग्नोर करना है कि नहीं करना ये आप दे सकते हैं, लेकिन ये आपका इसमें ब्लैंक इग्नोर नहीं करेगा। जैसे ब्लैंक क्या सर, हाँ मैं यहां पे अगर कर दूं ट्रू, ट्रू कर दिया ना सर। हाँ अब देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉमा नहीं है ना, पूजा नेम कविता है, बट इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा कॉमा यहाँ दिख रहा होगा। हाँ तो ये आपका टेक्स्ट ज्वाइन में अंतर होता है। ओके ओके सर ओके सर फाइंड और लेफ्ट राइट के बारे में देखते हैं। तो दिख रहा है ट्राफिक सोर्स है, ठीक है। हाँ तो इसमें मैं ऐसा देख पा रहा, मुझे पता करना है कि वीडियो का टाइटल है, सॉरी सर, मुझे पता करना है कि इसमें कौन सा टाइटल जो है एक्सेल का नहीं है, ठीक है। सर तो मैं यहाँ पे फाइंड का फॉर्मूला लगाऊंगा और इसमें डालूंगा एक्सेल। और इसमें ठीक है सर, जिसमें नंबर आया 19, इसका मतलब है कि 19 जो है आपका टेक्स्ट जो है 19वें नंबर से है। जिसमें एरर आया उसमें टेक्स्ट नहीं है, उसमें वो का नहीं है। एक्सेल का टैक्स नहीं है। जैसे हमारे पास इसमें सर्च होता है, सर्च तो सर्च और इसमें एक ही है कि सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता है और फाइंड हमारा केस सेंसिटिव होता ओके सर है। और एक बार हमारे पास एक और होता है फाइंड बी। फाइंड बी में हमेशा हमने बोला कि मुझे सर्च करना है एक्शन। यहाँ पे इसमें होता है कि आपको पोजीशन देना है कि कितने करेक्टर से आपको स्टार्ट करना है, जैसे एक्सेल में होता है सर। इसके बारे में हम आपको डिटेल में कल बताएंगे, ठीक है सर। ओके सर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके सर।